हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज मेनू प्योर एजुकेशन योर वे। मेरा नाम सुब्रत दास है। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस एग्जाम्स जो कि एसएससी एंड बैंकिंग कंडक्ट कराती है फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स रिलेटिंग टू फ्रेंच, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है टू लाइक अवर वीडियोज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू विल get regular updates and guys please do comment also। आप सभी के रिस्पॉन्स बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। इट हेल्प अस टू इम्प्रूव अवर एफर्ट टू क्रिएट गुड क्वालिटी कंटेंट फॉर यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इंग्लिश सेक्शन से है, वोकैबुलरी सेक्शन से है। एक्चुअली आज का सेक्शन है वोकैबुलरी पार्ट वन। ओके लेट्स स्टार्ट। आज जो पहला वर्ड है वोकैब से वो है एबेस, ABAS। इसका मतलब होता है तिरस्कार करना या अपमानित करना। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये कोई लेडी है जिनकी सर्वेंट कोई काम गड़बड़ कर दिया है उसने, और इसको वो चिल्ला रही है, इस पर चिल्ला रही है, काफी इसको अपमानित कर रही है, ह्यूमिलिएट कर रही है, डिग्रेड कर रही है। तो दिस लेडी इज अबेजिंग हिज सर्वेंट ऑल्सो। एक्चुअली यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, आपको हिंदी मीनिंग एंड इंग्लिश मीनिंग बताऊँगा, उसके बाद एक सेंटेंस भी आपको बताऊँगा। जैसे कि अबेस का मतलब होता है तिरस्कार करना या अपमानित करना। योर पेरेंट्स वुड अबेस यू वाइल लीविंग कमेंट्स ऑन योर फ्रेंड्स अपडेट्स। मतलब आपके पेरेंट्स जो है आपको एक तरह से अपमानित करते हैं, तिरस्कार करते हैं आपका आपके फ्रेंड्स के बारे में बता के, जिस तरह से आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं एग्जाम्स में, या और कहीं बहुत अच्छी बिहेवियर करते हैं, इस तरह की बातों से वो आपको टीज करते हैं या आपको अपमानित करते हैं। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट हमारा जो है वर्ड वो है एबेज। आप एक चीज ध्यान देंगे कि हमारा जो पहला वर्ड है ABASE एबेज, और जो दूसरा वर्ड है ABASH एबेज, दोनों का जो आप जब इसको प्रोनाउंस कीजिएगा तो प्रोनाउंसिएशन मोर एंड लेस सेम ही होता है, बस यहाँ पे आपका एस ई लगा रहेगा, यहाँ एस एच लगा रहेगा। तो गाइज आपको ये ध्यान देना है कि लास्ट जो लेटर है वो ई है या एस है। ओके, मोर एंड लेस आपका इसका जो मीनिंग है वो सेम ही है। हिंदी में अबैश का मतलब होता है लज्जित करना या शर्मिंदा करना, या इंग्लिश में आप बोल सकते हैं किसी को एम्बेरस करना या किसी को असेंट फील कराना। जैसे कि ये बच्चा जो है आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, सॉरी वन सेकंड, हाइलाइटर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं He had never bullied in his life, thus did life. No humiliation could abase him. Okay? तो ये बच्चा जो है इसको बहुत कम नंबर आए हैं अपने हिस्ट्री टेस्ट में, और ये बहुत अशेम्ड फील कर रहा है, बहुत एम्बेरस्ड फील कर रहा है, बहुत लज्जित महसूस कर रहा है। ओके गाइज, सो ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। जो तीसरा हमारा वर्ड है वो है एबटॉय, ABATOIR, एबटॉयर। एबटॉयर का मतलब होता है कसाई खाना या बूचड़ खाना, जहां पर मांस को काटा जाता है, जहां पर मीट को काटा जाता है, उसको कहते हैं एबटॉयर, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर मीट। ओके, यहाँ पर पिक्चर से भी आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, ये एक एबटॉयर का पिक्चर है जहां पर कि मीट को काटा जाता है, कसाई खाना है। ठीक है, तो आप वो मतलब समझ में आ गया होगा गाइस। यहाँ पे एक सेंटेंस भी दिया है, आप इसको देख सकते हैं, ऑल्दो मेनी फार्मर्स आर ओन्स कैटल्स, ठीक है, दे डोंट स्लॉटर देयर एनिमल्स ऑन साइट बट सेंड देम टू एबटॉयर। मतलब बहुत सारे यहाँ पर फार्मर्स है, बहुत सारे किसान है, उनके अपने कैटल्स है, वो उनको खुद से काटते नहीं है, उनको वो कहाँ भेज देते हैं, कसाई खाने में, बूचड़ खाने में उनको भेज दिया जाता है। ओके गाइस, तो move on to next word, abdicate, abdicate, abdicate,
है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है त्याग करना या स्वेच्छा से छोड़ना। मतलब अगर आप सेल्फलेसली या आपके पास कोई सेल्फिश मोटिव, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव अगर आप अपना किसी भी चीजों को छोड़ देते हैं, तो उसका मतलब होता है एब्डिकेट करना, त्याग कर देना। ओके, टू रेनाउंस और रिलिंक्विश अ थ्रोन, राइट पावर, क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि आपने अपना स्वेच्छा से अपना किसी चीज का त्याग कर दिया, जैसे कि आपके पास आपको बहुत अच्छा पोजीशन मिल रहा था, पर आपने क्या हुआ, पोजीशन को छोड़ दिया है, ठीक है, आपके पास कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो आप त्याग करते हैं। ऑल्दो मेनी फार्मर्स ओन कैटल, दे डोंट स्लॉटर एनिमल। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक आपका जो सेंटेंस है कोई गलत आ गया, पिछला वाला ही सेंटेंस। ओके, कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें जाते हैं वर्ड में, ये है एबरेंट, ABERRANT, एबरेंट। एबरेंट का मतलब होता है भटका हुआ या नैतिक या पथ भ्रष्ट, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं जिस जो कि सोसाइटली या मोरली अच्छा नहीं है माना जाता है, तो आप एक एबरेंट काम कर रहे हैं, आप एक जो जो किया जाता है उससे अलग हटके कर रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चींटियां जा रही हैं और उसमें से कोई एक चींटी जो है वो अलग होके बाहर निकल गया है। ओके गाइस, तो ये इसका जो इस चींटी का एक एबरेंट नेचर है, क्योंकि चींटियां आप देखते होंगे वो सीधी एक रेखा में या एक लाइन में चलती रहती है। ओके, तो डिपार्टिंग फ्रॉम द राइट नॉर्मल और यूजुअल कोर्स, मतलब आपका जो एक राइट वे है, राइट अप्रोच है, उससे आप अलग हटके कुछ कर रहे हैं, तो दिस इज एबरेंट। ओके, जोन्स एबरेंट बिहेवियर इज गोइंग टू गेट हिम इन अ लॉट ऑफ ट्रबल वन ऑफ दीज डेज। ओके, जॉन का कुछ जो एबरेंट बिहेवियर है, अनैतिक बिहेवियर है, उसको किसी न किसी दिन बहुत गलत संगति में या बहुत परेशानी में डाल सकता है। ओके गाइस, सो आपका जो सिक्स्थ वर्ड है वो है एबटमेंट। एबटमेंट मतलब होता है बहकावा या उकसावा, ठीक है गाइस। तो अगर आप किसी आपके फ्रेंड को या किसी और किसी इंसान को अगर आप बहका रहे हैं, उसका उकसा रहे हैं, तो उसको कहते हैं एबटमेंट। एबटमेंट का जो होता है टू इंकरेज और सपोर्ट और काउंटेंस by aid or approval using her in a wrong way। okay, मतलब किसी को उकसाना, किसी को सपोर्ट करना कोई गलत काम करने के लिए, इसी को कहते हैं अपेटमेंट। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर से भी समझ रहे हैं कि जैसे कि प्रतीक्षा बनर्जी, आपने इनका नाम सुना ही होगा, एक सीरियल आता था, उन्होंने खुदकुशी कर लिया था, तो खुदकुशी के लिए उसका उकसाना भी अपेटमेंट है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एबियंस, ABERRANCE, एबियंस। एबियंस मतलब होता है दुविधा या क्षणिक विराम। ओके गाइस, दुविधा या क्षणिक विराम मतलब होता है कि मान लीजिए आप कि कोई चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपको आगे क्या करना है, या आगे आप नहीं सोच पा रहे हैं कि आगे आपको कौन सा पाथ लेना है या क्या करने से आपका सही होगा, तो उसी को कहते हैं एबियंस। मतलब कि टेम्प्रोरी इनएक्टिविटी या सेसेशन या सस्पेंशन। मान लीजिए आप किसी तरह का कोई काम कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द राइट चॉइस टू डू द नेक्स्ट पेज ऑफ द वर्क। ओके गाइस, तो एबियंस का यही मतलब होता है, आप बहुत बड़े दुविधा में पड़ गए हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ गए और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सही रास्ता, सही पाथ क्या है। ओके गाइस, so we move to the next word। आपका next word है abhor, ABHOR, abhor। abhor का मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना। मान लीजिए आप आपका कोई एक friend है, उससे आपकी लड़ाई हो गई है, तो आप उससे किसी बात पे नफरत करते हैं या किसी तरह से घृणा करते हैं, तो उसी का मतलब होता है abhor। to regard, English में इसका meaning है to regard with extreme repugnance और aversion, okay, detest, utterly, loathe या abominate, मतलब नफरत करना। abominate का मतलब होता है नफरत करना। okay guys, तो यहाँ पर जैसे कि I hate Monday, ये बच्चा जो है ये सुबह सुबह उठा है और आपको पता है Saturday संडे के बाद
छुट्टी रहती है, उसके बाद जो मंडे आता है ज्यादातर बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, उनको लगता है कि आज भी काश शायद छुट्टी रहता। ओके गाइस, तो ये बच्चा जैसे कि हेट करता है मंडे को, कि अबाउट मंडे, कि नफरत करता है मंडे से। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नाइन्थ वर्ड है एब्जेक्ट, EBJECT, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है दयनीय या तीनहीन स्थिति, मतलब कि आप इस पिक्चर से भी देख रहे होंगे कि ये जो लड़का है किसी परेशानी में है, बहुत दयनीय स्थिति में है, या किसी तरह का परेशानी, इसके पास पैसे नहीं है और ये परेशान होके इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो इंग्लिश में इसका भी मीनिंग आप देख लीजिए, अटरली होपलेस, मतलब आपके पास किसी तरह का कोई होप नहीं बचा है, आपके पास किसी तरह का कोई दिशा नहीं बची है, मिजरेबल कंडीशन, मिजरेबल है मतलब कि बहुत अच्छा स्थिति नहीं है, या ह्यूमिलिएटिंग या और पेथर्ड। ओके, जेनिस वाज इन अ सच ऑफ एब्जेक्ट स्टेट दैट शी ट्राइड टू किल हरसेल्फ, मतलब जेनिस ऐसे एब्जेक्ट स्टेट, इतनी दयनीय स्थिति में थी कि उसने ट्राई किया खुदकुशी करने का। ओके, तो ये एब्जेक्ट का मतलब होता है दयनीय स्थिति या दीनहीन स्थिति। ओके गाइस, सो वी मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एब्ज्यूर, ABJURE, एब्ज्यूर। एब्ज्यूर का मतलब होता है त्यागना या स्वीकार करना। ओके गाइस, एब्ज्यूर का मतलब होता है त्याग कर देना या स्वीकार करना। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जैसे कि किसी चीज को छोड़ दिया है, ठीक है, आप स्मोकिंग करते थे उसको आपने छोड़ दिया है, आप इसका एक साइनोनिम वर्ड अब्स्टेन भी होता है, एब्ज्यूर भी आप कह सकते हैं। ओके गाइस, तो त्यागना या अस्वीकार करना, ठीक है, आपको कि कोई चीज पसंद नहीं है तो आप उसको क्या कर देंगे, अब्ज्यूर कर देंगे, मतलब कि आप उसको अस्वीकार कर देंगे, जैसे कि टू रेनाउंस, इसका इंग्लिश में ये भी मतलब लिया, टू रेनाउंस डिप्रूडाइट और रिट्रैक्ट स्पेशली विद फॉर्मल सोलेमिनिटी। ओके गाइस, इन ऑर्डर टू मेरी ए प्रेजेंट ही लव द प्रिंस मेड द डिसीजन टू अब्ज्यूर हिज टाइटल। ओके, वो प्रिंस ने किसी प्रिंस से वो लव करते हैं और उसे शादी करने के लिए उसने अपना जो राजपाट है वो सारा त्याग दिया। आप इस पिक्चर से भी देख रहे होंगे, इस लड़के ने मीट को अब्ज्यूर किया हुआ है, मतलब कि वो जो मांसाहार है, नॉन वेज है, उसको त्याग दिया है, मतलब अस्वीकार कर दिया है। ओके गाइस, अब वो वेज हो गया फुल्ली, उसके प्लेट में भी देख रहे हैं कि वो वेजिटेरियन हो गया है। ओके गाइस, तो अब्ज्यूर का मतलब होता है त्याग देना। ओके गाइस, चलिए तो इसी के साथ हमारा ये जो शॉर्ट वीडियो है ये खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के अगर और भी वीडियो लेसन आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करते रहिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके गाइस।